Assalamualaikum, good morning everyone. Welcome to my channel, The Pure Love Stories. तो कैसे हैं आप सब? Hope आप सभी अच्छे होंगे. मैं भी बढ़िया हूँ. तो चलिए शुरू करते हैं कहानी एहसास प्यार की. एपिसोड 27, लास्ट सीन मैं नहीं बोलूँगी, सीधे स्टोरी से शुरू करते हैं. रूही जो है वो पूजा को हक किए हुए है थी, तभी मिश्का एकदम से वो बाहर से ही चिल्लाती है, रूट उपेंद्र ढो यार, क्या हुआ, सब कुछ ठीक है ना? जैसे ही पूजा ये सुनती है, थोड़ी सी पीछे होने की कोशिश करती है, तभी रूही बोलती है कि क्या हुआ, आप पीछे क्यों जा रही हो? तभी पूजा बोलती है कि देखिए वो मिश्का बुला रही है, अब छोड़िए मुझे और टोपिन दो रोपिन कीजिए, और ये तो टावल में है, आप कपड़े पहनिए. तो रूही जो है वो एक बार खुद को देखती है, और देख के ना वो एकदम से स्माइल पास करती है और बोलती है देखिए आप, ये आपने आपकी मोहब्बत ने मेरा हाल क्या कर दिया. तभी जो है पूजा बोलती है अच्छा ऐसी बात है क्या? तो रूही बोलती कि हाँ ऐसी ही तो है, देख लो मैं मेरी हालत को और तरस खाओ मुझ पे और मुझे. तभी एकदम से पूजा बोलती कि क्या तरस खाऊँ आप पे बताइए. तो वो जो है रूही बोलती कि नहीं मतलब मेरे पास ही रहिए, मुझसे दूर ना जाइए. तभी वो एकदम से पूजा बोलती कि हाँ ठीक है समझ गई मैं, आगे भूलने की ज़रूरत नहीं. तभी एकदम से फिर से मिश्का बोलती कि अरे यार कर क्या रही हो, इधर हम दोनों परेशान हैं, उधर आना तो अपने सर झुका के खड़ी हुई थी, वो बोले तो क्या बोले. मिश्का बार बार उसकी तरफ देख तो रही थी लेकिन आना अपने सर को उठाते ही नहीं है, क्योंकि अगर वो बोलना शुरू करे तो बहुत कुछ बोलनी होगी, वो क्या क्या बोलेगी. तभी पूजा बोलती कि हो गई ना, छोड़िए ना मुझे प्लीज़, ओपन द डोर प्लीज़, वो लोग इंतज़ार कर रहे हैं. तभी जो है रूही बोलती कि ठीक है. तो एकदम से वो छोड़ती है पहले पूजा को, और रूही जो है वो अपने कपड़े लेती है, वो वॉशरूम की तरफ जाती है, और पहले जो है और जो टावल ग्राउंड पहनी थी तो वो जो है वो ओपन करके और ड्रेस चेंज करके वो आती है. जैसे आती है तो देखती है पूजा अब भी उसी जगह पर खड़ी है. तो बोलती है अरे आपने डोर ओपन नहीं की मिस पूजा. तो होती कि मैं आप करो ना, वो पता नहीं मैं करने से क्या क्या बात बोले. तो तभी एकदम से रूही हंसती है और होती कि क्या अभी. इधर रूही जैसे ही डोर ओपन करती है, मिश्का एकदम से अंदर आती है. वो अंदर आती ही रूही को हक करती है और बोलती है पागल है क्या, कितनी देर से मैं डोर पे नॉक करती हूँ, तो ठीक है ना रू, ये रू रुकी रही थी, क्या हुई तुझे, हाँ क्या हुआ, क्यों रो रही थी? तो जो है बार बार बोल रही थी रूही उसे करते होते कि बस शांत हो जा, मैं भी शांत हो गई हूँ, तू भी शांत हो जा, कुछ नहीं हुआ. तभी जो है मिश्का बोलती कि ये क्या हुआ बोलना, मैं कुछ नहीं बोलूँगी. तभी रूही बोलती कि कुछ नहीं हुआ मिश्का, अब थोड़ी सी शांत हो जा प्लीज़, और देख मेरी तरफ यार, मैं बिल्कुल ठीक हूँ. तभी जो है वो पूजा जो है वो भी देखती कि आना जो है वो अंदर नहीं आई है, आना अब भी बाहर ही खड़ी थी. तो एकदम से पूजा जो है वो थोड़ी सी वो डोर के साइड पे जाती है, तो देखते हैं आना जो है बाहर खड़ी है. तो एकदम से वो आँखों से इशारा करती तो क्या हुआ, आना जो है वो सर हिलाते थी कि कुछ नहीं. तो एकदम से रूही उसके हाथ पकड़ती है, अंदर लाती है. तो जो है आना अंदर जाती देखती कि मिश्का जो है वो रूही को हक की हुई, तो वो रो रही थी, बार बार बोल रही थी तो कि तुझे क्या हुआ, तो ठीक है ना ये वो. तो दोनों समझ पाते हैं कि दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी है. रूही जो है वो बार बार बोल रही थी कि अरे यार मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ. थोड़ी देर बाद जब मिश्का थोड़ी सी शांत होती है तो पीछे होती है और घूर के रूही को देखती है. तभी वो एकदम से पूजा की तरफ देखती है घूर के, तभी उसके साइड पे एकदम से नज़र जाती है कि वो मास्क एकदम से फ्लोर पे गिरी हुई थी, वो उस मास्क पे देखती है. रूही देखती है कि मिश्का क्या क्या देख रही थी. तभी मिश्का पूजा की तरफ देख के बोलती कि अच्छा तो तुम ही हो वो मुहतरमा.
पूजा जो है अपने सर झुका लेती है, तभी रूही जो है वो एकदम से मिश्का की हाथ पकड़ते बोलती है कि क्या है। तो मिश्का बोलती है नहीं, मतलब ये मोहतरमा वही है तेरी सपनों की रानी, वही ना। तभी जो है रूही बोलती कि वही है, मुझे भी अभी पता चली है। तभी मिश्का बोलती है बाप रे, ये शौक पे शौक पूजा, यार तुम इतनी खतरनाक हो यार, मैं तो तुम्हें मासूम सी बच्ची समझती थी और तुमने मुझे क्या बोलूँ मैं। तभी रूही एकदम से बोलती कि क्या है क्यों। तभी वो जो मुझे बोलती कि अरे मैं उससे बात कर रही हूँ, तू क्यों बीच पे आ रही है, ज़रा पूछने तो दे मुझे। इधर जो है रूही वो फिर से बोलती कि देख मिश्का प्लीज़ ऐसे परेशान मत कर। तभी मिश्का बोलती तू ज़रा ये बता इतनी तरफदारी क्यों कर रही है, मैं मिस पूजा से बात कर रही हूँ ना या फिर मिस अनु से, ये क्लियर कर ले पहले, ये मिस अनु ही नहीं है ना। तभी रूही बोलती कि हाँ है तो क्या हुआ। तभी बोलती कि हाँ तो मैं उनसे बात कर रही हूँ ना, तू ये बीच पे क्यों टपक रही है, तू थोड़ा साइड हट। तो एकदम से रूही को थोड़ी सी साइड करते हुए पूजा के सामने खड़ी हो जाती है और बोलती कि हाँ बोलिए मिस मिस अननोन या फिर पूजा, आप पूजा या फिर अननोन, अरे यार कंफ्यूज हो रही हूँ, बोलो तो सही। तो पूजा बोलती कि पूजा ही सही है क्या मिश्का। तो मिश्का बोलती कि हाँ बोलो बोलो क्या मिश्का, यार शौक तो ताकि लोग ले सके, यार इतनी बड़ी शौक दोगे तो बचना मुश्किल है। इतनी दिन तक मैं इसके मुंह से मिसानोन ने ये मिसानोन ने वो मिसानोन मिसानोन मिसानोन, हे भगवान मेरी जीना हराम कर दी इसने, और तुम मेरी आंखों के सामने होते हुए भी मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई। हाँ लेकिन हाँ अगर मैं तुम्हें इस मार्क्स पे एक बार देखती ना तो ज़रूर मैं पहचान लेती, ये ना समझ है मैं थोड़ी ना। तभी रूही बोलती कि क्या बोल रही है मिश्का। तो मिश्का बोलती है मैं सही बोल रही हूँ, तू पागल, अरे क्या ही बोले, तेरे अंदर ना कभी कभार मुझे ऐसा लगता है कि दिमाग नहीं है, खास करके इस मामले में। तो पूजा बोलती कि वैसे इस मामले में तो मैं भी कच्ची हूँ, क्या ही बोल सकते हैं। जैसे ये बोलते हैं तो मिश्का उसे घूर के देखता और बोलती कि अच्छा तो आग एक तरफ से है या दोनों तरफ से बराबर है। जैसे ये बोलती है तो पूजा जो है अपनी नज़रें झुका लेती है, ये देख के रूही एकदम से आती उसके हाथ पकड़ती है और बोलती कि डोंट वरी कुछ नहीं होगी, और वो उसको थोड़ी सी साइड करती है और मिश्का के सामने आ जाती है और बोलती कि क्या सवाल करनी है मुझसे करना। तो वो एकदम से होती है आह अभी से, मतलब अभी से क्या बात है, जवाब किसी और से पूछूं और जवाब देगे कोई और, क्या बात है क्या बात है, बढ़िया है। हाँ तो बोल आग एक तरफ से लगी है या दोनों तरफ की बराबर है। तभी रूही होती कि आग क्या होती है, तू सीधा पूछ ना, और अगर बात मोहब्बत की है तो दोनों तरफ से आगोश आगाज हो चुकी है, क्या ये काफ़ी नहीं है। जैसे ये सुनती है तो जो मिश्का है वो बुद्धि वो हो मतलब वो अच्छा समझ गई मैं, बढ़िया है बढ़िया है, मतलब दूसरों को परेशान में डाल के तुम लोग अपने 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 चीज़ों को क्लियर कर रही थी, बोल नहीं सकती थी, कब से परेशान होके बाहर इंतज़ार कर रही थी मैं। हाँ तो मेरी बुद्धि हो गई ना गलती, अब शांत हो जाएगी। तो बोलती हाँ तो मैं तो कब से शांत हूँ। तो रूही बोलती हाँ मैं देख रही हूँ। तभी ना पूजा जो है वो खड़ी हुई थी वो साइड पे, तो आहना की तरफ देखती, आहना बिल्कुल शांत थी, वो कुछ नहीं बोलती, वो अपने सर झुका के खड़ी थी। तो पूजा एकदम से उसकी साइड पे जाती, उसके हाथ को पकड़ती और बोलती कि क्या हुआ। आहना बोलती नहीं है कुछ नहीं। तभी पूजा बोलती कि बोल तो सही क्या हुआ, कुछ किसी ने कुछ कहा है। तो वो बोलती कि नहीं यार किसी ने कुछ नहीं कहा, बस ऐसे ही तूने बोल दी कि यू ऑल्सो लवर। तो वो एकदम से बोलती कि हाँ यार बोल दी यार, देख जो थी दिल में मैं पहले तो ऐसा कभी फील नहीं कर रही थी, तो
अब जो हो रहा है मेरे साथ मैं वो पेश करना तो चाहूंगी ना, तो बोल दी मैंने। तभी आना जो है वो पूजा के हाथ पकड़ती है और बोलती कि बस ना, मुझे क्लेरिफिकेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है पूजा, तुझे जैसा लगा तूने वही किया और सही किया, डोंट वरी, ज़्यादा ज़्यादा मत सोच। अब क्या करनी है, क्योंकि हमारी ऑफिस टाइम हो गया, ऑफिस जानी है या फिर यहीं पे रुकनी है ये बता दे। तो पूजा बोलती कि यार यहाँ पे रुक के क्या करेंगे, मुझे जो बोलना था मैंने उनको बोल दिया है, अब चल यहाँ से। तभी बोलती कि हाँ तो ठीक है। तो पूजा जो है वो रूही की तरफ देखती है, रूही अब भी मिश्का से बात कर रही थी। तो रूही पूजा एकदम से बोलती कि मैम वो एक्चुअली हम ऑफिस चले जाते हैं। जैसे ये बोलती तो मिश्का और रूही दोनों ही घूर के पूजा को देखते हैं, और मिश्का बोलती कि हाँ क्या 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 बोला तुमने पूजा, पूजा क्या बोला। तभी पूजा जो है बोलती कि क्या है मिश्का, मैम बुलाई हूँ उनको, मैम ही तो है। तभी रूही आती है और बोलती कि मैम क्यों तुम मुझे मिस रूही निकल के नहीं बुलाती हो क्या। तो बोलती कि बुलाती हूँ, वो ऑफिस के बाहर बुलाती हूँ, जैसे कि क्लब में ऐसे नॉर्मली में। पर मिस पूजा के लिए आप उसकी मैम मैम हो, तो मिस पूजा आपको हमेशा से ही मैम बुलाती आई है। तो एकदम से रूही बोलती कि समझ गई, मतलब अब तुम ये लगा के रखी हो कि अब तुम मुझे हर वक्त मैम ये मैम वो कह के बुलाओगी। तभी वो बोलती कि अरे आप समझ नहीं रही हो। तभी रूही बोलती कि देखो मिस पूजा, उफ अननोन, तुम पूजा हो साथ साथ मिस अननोन भी, ठीक है ना, तो मुझे रूही कहकर ही बुलाओ, मैम कहकर नहीं। तभी वो पूजा बोलती कि अरे क्यों नहीं समझ रहे हो आप, ऑफिस में आप मेरे बॉस हो, सबके सामने मैं मैम ही तो बुलाऊंगी ना। तभी जो है पूजा जो सॉरी मिश्का जो है वो बोलती कि तुम दोनों ही शांत हो जाओ यार, देखो पूजा तुम वो तुम्हारी मैम के साथ साथ अब वो तो होना थोड़ी सी स्किप करती है, बोलती कि जो भी है तो ना, तो तुम नाम से पुकारो। तभी पूजा बोलती कि मैं समझ चुकी हूँ, मतलब ये सब बोल, ये थोड़ी सी वक्त ले लो, थोड़ी सी वक्त मुझे भी दो ये चीज़ डाइजेस्ट करने में। हाँ ठीक है, मैंने बोल दी अपनी दिल की बात। तभी रूही बोलती ठीक है आराम, रिलैक्स रिलैक्स, आप परेशान मत होइए, आप जैसा चाहती है वैसा ही होगी। अगर आपको मुझे ज़िंदगी भर मैम कहना भी है ना तो कहो, मुझे कोई एतराज़ नहीं। तभी जो है मिश्का बोलती कि हाँ 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 इसी दिन का तो इंतज़ार था। वैसे पहले दिन से ये पूजा तुमने ऐसा कौन सी जादू किया है मुझे ये बताओ, पहले पहले दिन से ये बंदी तुम्हारे पीछे इतनी लट्टू हो गई कि ये ख्वाब में भी तुम्हें देखती थी। और एक चीज़ बताऊँ तुम्हारी, हाँ तुम्हें शायद पहली बार उसने हक की थी ना, वो जैकेट अब भी उसके कबट में इतनी बढ़िया तरीके से सजा के रखी है ना कि क्या ही बोलूँ मैं, मतलब मुझे बताओ कि कौन सी जादू किया है। तभी पूछा होती ऐसी कोई बात नहीं मिश्का, मैं भला कि क्या जादू करूँगी, मुझे थोड़ी ना मैजिक आती है। तभी वो बोलती कि आती तो है प्यार वाली, जो तुमने इसको फंसा दी अपने जाल में। तभी पूजा बोली ऐसी कोई बात नहीं, ये खुद फंसी है, और खुद फंसी तो है और साथ में मुझे लेके फंसी है। जैसे ये बोलती तो मिश्का इतनी हंसती है, वो पूजा को हक करती है और बोलती कि तुम ना इतनी क्यूट हो, क्या ही बोले। तो पूजा बोलती है काल मत खींचा करो आप प्लीज़। वो तभी जो है मिश्का बोलती कि ठीक है नहीं खींचती। तो रूही बोलती कि आप ऑफिस जानी है तो साथ में चलिए ना। तो पूजा बोलती कि ठीक है, हम ऑफिस जाने के लिए ही बोल रहे थे। तो रूही बोलती कि हाँ ठीक है, मैं थोड़ा सा रेडी होके आती हूँ, आप लोग। तभी जो है मिश्का बोलती कि हाँ तू रेडी हो जाए। तो मिश्का पूजा की हाथ पकड़ती है और बोलती है हाँ चलो उसको रेडी होने दो, हम बात करते हैं। उसे लेके जो है वो हॉल की तरफ जा रही थी, आना भी पीछे पीछे आती है। तो मिश्का उसको बैठाती है और बोलती कि हाँ अब बोलो कि ये मिस अननोन होने का क्या है, क्या मैं जान सकती हूँ। तभी जो है वो बोलती कि फिलहाल अभी रहने देते हैं ना, मैं बाद में बोल दूँगी। तभी जो
जो मिश्का है बोलती कि बोल दो ना यार प्लीज़, एक तो ना अचानक से तुमने मुझे ये शॉक दे दी कि तुम ही मिस अननोन हो। तुम्हें देख के कभी लगती नहीं है तुम इतनी डरती हो उससे, इतनी सहम से रहती हो उसके साथ, और ये अवतार, आई एम शॉक्ड। तभी पूछा बोलती कि थी मेरी कुछ मजबूरी, मैं बता नहीं पाई सच्चाई को, और क्यों बताती, बताने की कोई ज़रूरत थी नहीं ना। तो बोलती कि थी तो, वो तो तुम्हारी प्यार में पागल हो चुकी है। अब वो उसको तभी जो है पूजा बोलती कि हाँ तो ठीक है, लेकिन वो चीज़ मेरे अंदर में नहीं थी, तो जब तक नहीं थी मैं क्या बताती। तो मिश्का बोलती मतलब आज आप है पूरी तरीके के। तो पूजा स्माइल पास करती, तो मिश्का बोलती कि चलो अच्छी बात है, वैसे तुम्हें एक थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि तुम्हारी आने से वो काफ़ी सुधर गई है, वो बन गई है जो कभी नहीं थी। आई एम शॉक्ड और इम्प्रेस भी, तुमने ये किया कैसे। तभी पूजा बोलती है कि मैंने कुछ नहीं किया, उन्होंने खुद वो चीज़ अपने में चेंज ला ली। मैंने मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कभी नहीं उनको कुछ चीज़ के लिए रोका है टोका है, कभी नहीं। हम सिर्फ नॉर्मल बातें करते थे, बस अंतर सिर्फ इतनी है, जो भी चेंज हुआ है वो खुद लाई है। तभी मिश्का बोलती है, तो मिश्का ना एकदम से आना की तरफ देखती है, आना एकदम शांत थी। तो मिश्का बोलती है क्या हुआ तुम इतनी चुप की वो। तो आना बोलती कि नहीं कुछ नहीं है। तो मिश्का बोलती कि क्या हुआ। तो बोलती कि कुछ नहीं कुछ नहीं बस ऐसी। तो आना मिश्का जो है बोलती कि सब कुछ ठीक है ना, तबीयत तुम्हारी, सर भारी है क्या। तो आना बोलती कि हाँ वो थोड़ी सी भारी है सर मेरा। तभी तो बोलती कि एक कॉफ़ी लेके आऊँ। तभी रूही एकदम से आती है और बोलती कि कॉफ़ी आप ऑफिस में जाके पिए। तो वो बोलती कि हाँ चलो। रूही ने एक नॉर्मल सूट जो है लेडीज़ सूट वगैरह वो कैरी करती है। फिर ये चारों जो है वो नीचे उतरती है। तो मिश्का बोलती कि अच्छा तो आना तुम स्कूटी नहीं लाई। तो आना बोलती कि मेरी स्कूटी ऑफिस में है, हम कैब करके आए हैं। तो मिश्का बोलती कि वो ठीक है। तभी रूही बोलती कि ठीक है मैं पार्किंग एरिया से कार लाती हूँ, तुम तीनों यहीं पे रुको। रूही जो है जाती है वो कार लेके आती है। तो जैसे ही आती है तो मिश्का ना वो जानबूझ के वो सामने की सीट में बैठने वाली थी, तभी रूही एकदम से डोर पकड़ ली थी और बोलती कि क्या 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 है। तभी मिश्का बोलती हाँ क्या है का क्या मतलब, अरे मुझे बैठनी है छोड़ हाथ। तभी वो कि नहीं वो तू पीछे चली जाना प्लीज़, मैं मिस आई मीन पूजा के साथ बैठना चाहती हूँ। तभी पूजा ये देखती तो पूजा होती है कोई बात नहीं आप बैठो ना इनके साथ, क्या प्रॉब्लम है, मैं पीछे बैठ जाती हूँ आना के साथ। तभी रूही बोलती कि मिस पूजा प्लीज़ मैं बात कर रही हूँ ना। तो पूजा चुप हो जाती है। तो मिश्का तो बड़ी मज़े ले रही थी रूही की। तो बोलती कि नहीं नहीं मुझे तो तेरे साथ ही, देख हमने जीने मरने की कसम साथ में खाई है, हर चीज़ साथ में करेंगे, तो तेरे साथ मैं यहीं पे बैठूंगी। तभी ना रूही बोलती कि क्या हर सी चीज़ साथ में करेंगे, दिमाग ख़राब है तो बोल क्या रही है। तभी मिश्का जो है बोलती कि क्या बोल रही हूँ, सही तो बोल रही हूँ, तू तू ना हाथ छड़ा हाथ छोड़, मैं सिर्फ तेरी हूँ तू सिर्फ मेरी है बात ख़त्म। तो ना रूही बोलती कि अरे यार क्या है। तभी पूजा एकदम से हंसते बोलती कि कोई बात नहीं आप रख लो इनको, मैं पीछे जाके बैठ जाती हूँ। तभी मिश्का उसके हाथ पकड़ती है और बोलती कि मजाक कर रही हूँ यार बैठो, वरना इस मोहतरमा की जो है जान हलक तक पहुँच जाएगी, जो कि मैं नहीं चाहती, तो खुद संभल जाओ और इसको भी संभाल लो। ये बोल के वो पीछे बैठ जाती है। इधर आना के सर पे बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी, तो अपने सर पकड़ के जो है एकदम से आंखें बंद की हुई थी, वो पहले ही बैठ चुकी थी। मिश्का जैसे ही एंटर करती वो देखती है और बोलती कि आई ओके। आना उसकी तरफ एक बात देखती है और सिर्फ सर हिला देती है। इधर मिश्का जो है वो बैठती है, तो वो एकदम से आना की तरफ देख के बोलती कि आना तुम ना मेरे शोल्डर पे सर रखो, मैं आहिस्ता से दबा देती हूँ तो तुम्हें बेटर फील होगी। आना तुरंत ही मना कर देती कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है मैं ठीक हूँ। तभी जो है वो
इसका बोलती है, अरे यार इतनी फॉर्मेलिटीज क्यों मेंटेन करती है। वो एकदम से उसकी शोल्डर से पकड़ती है, अपनी तरफ खींचती है, उसके सर को अपनी शोल्डर पे रखती है और आहिस्ता आहिस्ता दबाने लगती है। इधर पूजा जो है वो आके बैठती है रूही की साइड पे, तो रूही इतनी खुश होती है, उसकी फेस पे वो स्माइल, जैसे ही पूजा वो स्माइल देखती है, वो देखिए बाप रे इतनी प्यारी सी स्माइल, अगर इससे ज़्यादा हुई ना तो मेरे दिल की धड़कन को मैं अपने काबू में नहीं रख पाऊँगी। थोड़ा आहिस्ता से स्माइल कीजिए। जैसे ये बोलती है तो रूही बोलती है कि क्या करें, आपको देख के मेरी दिल झूम उठती है, क्या मैं हाथ पकड़ सकती हूँ। तो वो बोलते कि पकड़ सकती हैं आप। तो जो है जो रूही है वो एक हाथ उसके हाथ को पकड़ती है और वो जो है एक हाथ से जो है चाबी एकदम से घुमाती है और गाड़ी स्टार्ट करती है। करीब 10 मिनट में ये लोग पहुंच जाते हैं ऑफिस। ऑफिस पहुंचती है, लेकिन ऑफिस पहुंचते ही शॉक हो जाती है रूही और उसके जो है दोस्त मिश्का, क्योंकि ऑफिस में नताशा ओबरॉय मौजूद थी। ये चारों नताशा को देख के बहुत शौक थी। मिश्का एकदम से रूही की तरफ देखती है और बोलती कि रूही ये इतनी सुबह सुबह यहाँ पे क्या कर रही है। रूही बोलती कि मुझे कैसे बताओगी यार। तो मिश्का बोलती कि तू ज़रा संभाल के बात करियो यार, कल के बाद ना मुझे पता नहीं अली अलग सी वाइब्स आ रही है। तो रूही बोलती कि तू ज़्यादा मत सोच, मैं संभाल लूँगी, ठीक है। तो ये बोल के वो लोग एकदम से एंटर करती है। जो नताशा है वो ऑफिस की हॉल में ही केबिन के सामने जो कॉन्फ्रेंस रूम है वहाँ के एक चेयर पे बैठी हुई थी। तो चारों को जैसे ही नताशा देखती है तो उठती है, पहले उठ के वो एकदम से आती है जो है सामने चारों की, और एकदम से वो पूजा के सामने जाती है। पूजा की हाथ एकदम से पकड़ते हैं, बोलती है मिस पूजा ये आपके हाथों में क्या हुई, ये बैंडिज क्यों। तभी जो है पूजा बोलती है वो चोट लग गई थी। तभी जो है नताशा एकदम से बोलती है ज़रा अपनी ध्यान रखिए, इम्पोर्टेंट हो ये बात ना पूजा समझ नहीं पा रही थी कि मैं ये नताशा किस बारे में बात कर रही थी। तो पूजा वो एकदम से बोलती है आखिर क्या इम्पोर्टेंट है, आपका ध्यान हमेशा इनमें ही क्यों रहती है मिस नताशा। तो नताशा बोलती को क्या है ना, मुझे ना नायाब चीज़ पसंद है, और ये तो क्या ही बोलूँ। तभी रूही घूर के देखते और बोलती कि आखिर बोलना क्या चाहती है आप, और आप यहाँ के। तभी नताशा बोलती है डोंट बी सीरियस यार, मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी तुम्हारे लिए आना। तो ये तुम्हारी दोस्त है ना पूजा। तो पूजा बोलती कि हाँ ये मेरी दोस्त है। तो बोलती कि हाँ तुम दोनों के लिए इतने परेशान थी, और यार तुम लोग मेरे फार्म हाउस से निकल गए हो, एक बार बता सकती थी कि नताशा हम लोग जा रहे हैं। रूही बस नताशा को ऑब्जर्व करने की कोशिश करती कि आखिर ये चाहती क्या है, क्या बोलने की कोशिश कर रही है और इसके दिमाग में क्या चल रही है। क्योंकि वो जिस तरह से बात कर रही थी आज वो थोड़ी सी वो टोन जो है वो अलग थी। इधर वो जो है पूजा की हाथ पकड़ी हुई थी तो पूजा को थोड़ी सी अलग लगती। तो पूजा एकदम से होती कि वो छोड़िए ना। तभी जो है नताशा पूजा की तरफ दिखता है, बोलते कि क्या छोड़ू। तो पूजा जो है अपने हाथ की तरफ देख के इशारा करती कि ये छोड़िए ना। तभी जो नताशा वो एकदम से हाथ छोड़ देती है और होती वो आई एम सॉरी, वो ध्यान नहीं थी, वैसे पक्का आप ठीक हो ना। तो पूजा बोलती कि जी जी मैं ठीक हूँ। तभी रूही बोलती अब बात यहीं पे करनी है या फिर केबिन पे जानी है। तो वो बोलती कि हाँ ज़रूर। तो जो है वो जाती है, आना को बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रही थी तो वो साइड पे नहीं जाती, वो अपने अपने साइड पे चले जाती है। मिश्का ये देखती है तो, क्योंकि पूजा तो रूही के साथ थी, तो मिश्का जो है एकदम से जाती है आना के पीछे पीछे। वो ना पहले किसी को बोल देती है दवाई के लिए और एक कॉफ़ी के लिए। तो वो जाती है आना के पीछे। तो आना बोलती है अरे मिश्का जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप इतनी फिक्र मत कीजिए, मुझे आदत नहीं है, आप चाहिए ना अपना काम कीजिए, मुझे कोई इशू नहीं है। तो मिश्का बोलती है यार क्या है यार, तुम भी पूजा की तरह बात करती हो,
क्या है, मैं अपनी दोस्त की थोड़ी सी टिक्कर नहीं कर सकती तो उदी कर सकती हूँ, पर ठीक है ना, हम ऑफिस में आए हैं, हम काम करना है, आप अपना चीज़ों को संभालिए ना, मैं ठीक हो जाऊँगी। तभी वो बोलती कि देखो मुझे पता है, अभी मुझे तुम्हारी टेक केयर करना था और मैंने बोल दिया है किसी को, वैसे ब्रेकफास्ट तो किया ना, तो आना बोलती कि हाँ कर ली थी मैंने ब्रेकफास्ट, तो मिश्का बोलती कि हाँ तो दवाई लेके आएंगे, दवाई ले लेना और कॉफ़ी पी लेना ठीक है, और अगर ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई तो कुछ देर रेस्ट कर लो। तो आना बोलती कि नहीं नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं। उधर रूही जो है, पूजा रूही और नताशा, ये लोग रूही की कैबिन पे जाती है, नताशा रूही के सामने बैठ जाती है और बस घूर घूर के वो रूही को देख रही थी। रूही बोलती कि क्या हुआ, कुछ बोलना चाहती हो क्या तुम? तभी नताशा बोलती कि नहीं मैम सब कुछ ठीक थी, क्या कल तुम्हारी तबीयत वो ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी? तो एकदम से जो रूही बोलती कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हाँ थोड़ी बहुत हो जाती है कभी कभार, इसमें क्या बड़ी बात है। तो बोलती कि अच्छा, रूही रूही के मन में कुछ और चल रही थी, वो नताशा को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व कर रही थी। नताशा जो है बात करते करते वो अपनी उंगलियों को, जैसे होते हैं ना लोग नर्वसनेस के चक्कर में जैसे करते हैं, वैसे कर रही थी, ये चीज़ बहुत अच्छी से नोट कर रही थी रूही। तभी नताशा बोलती कि वेल रूही, मैंने ना मेरे कंपनी में ना कुछ प्रॉब्लमेटिक कुछ चीज़ें हुई है, तो मैं ना उस चीज़ को संभाल नहीं पा रही हूँ, क्या तुम थोड़ी सी मदद करोगी मेरी? तो रूही बोलती कि कैसी मदद? तो बोलती कि मेरे मेरे ऑफिस में चलो मेरे साथ, वो चीज़ मैं तुम्हें दिखाऊंगी कुछ, हाँ है प्रॉब्लम इशू वहाँ पे। रूही जो है बस एक टक नताशा को देखते बोलती कि अच्छा, तो बोलती कि हाँ बस वो प्रॉब्लम यार मैं बहुत ज़्यादा हैट्रिक पे हूँ, मेरे दिमाग ख़राब है इसी चक्कर में, और तुम बिजनेस में बहुत तुम्हें नॉलेज है, तो क्या तुम मेरे साथ मेरे ऑफिस जाओगी? तभी जो है रूही बोलती कि अभी जानी है क्या? तो बोलती कि हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर अगर तुम चाहो तो अभी चल सकते हैं, हम वैसे भी मैं ऑफिस ही जाऊँगी। तभी रूही वो कुछ सोचती है और फिर बोलती है हाँ ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। इधर जैसे ये बोलते तो पूजा घूर के देखती है रूही को कि अभी तो ऑफिस आई है और अभी ये कहाँ जाने की बात कर रही है। तो एकदम से तभी ना नताशा की फ़ोन पे कॉल आती है, वो फ़ोन एकदम से कट कर देती है, फिर से कॉल आती है फिर से कट कर देती है। रूही ये सारी चीज़ें नोट कर रही थी, तभी रूही बोलती है अरे इम्पॉर्टेंट कॉल होगी, आप रिसीव कर लो ना, और अगर मेरे सामने बैठ के बात करने में दिक्कत होगी तो आप बाहर जाके बात कर सकती हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बोलती कि वो हाँ ठीक है, तो ये बोल के वो एकदम से बाहर चली जाती है। इधर पूजा बोलती कि अभी अभी तो हम ऑफिस आए हैं, आप अभी जाने की बात कर रही हो, कहाँ जानी है? तो बोलती कि पूजा ज़रा मिश्का को बुलाओ। तो बोलती कि क्यों? तो बोलती कि बुलाओ ना। तो एकदम से वो जाती है, वो जाके सीधा मिश्का के केबिन पे जाती है, तो मिश्का तो कुछ काम कर रही थी, तो एकदम से देखती है पूजा को, बोलती कि हाँ हाँ बोलिए मैं हूँ मोहतरमा। तभी पूजा बोलती कि वो बुलाई है। तो बोलती कि कौन? रूही। तो पूजा बोलती कि हाँ, तो बोलती कि ठीक है मैं आती हूँ, ये बोल के वो साथ आती है पूजा की और कैबिन में जाती है। नताशा अभी तक नहीं आई है फ़ोन पे बात करके, तो जैसे एंटर करती है तो रूही जो है पूजा को बोलती कि आप बाहर जा सकती है क्या थोड़ी देर के लिए? मिश्का घूर के देखता है, बोलती है ऐसी क्या बात करने वाली है तू कि मैं उस मिस पूजा को बाहर जाने होगी? तो रूही बोलती है ऐसी कोई नहीं है, बस ऐसे ही मिस पूजा आप वो ज़रा फाइल ले आइए। तो पूजा ज़्यादा कुछ नहीं सोचती, वो निकल जाती। इधर मिश्का को रूही कुछ बताती है, जिसे सुन के मिश्का थोड़ी सी शौक होती है, घूर के देखने लगती है रूही का और बोलती है क्या क्या बोल रही है, मतलब आर यू श्योर ना? तभी रूही बोलती कि डैम श्योर, बस जितना बोली उतना कर। तो बोलती है ठीक है मैं हूँ ठीक है मैं भी चलूँगी, ये बोल के वो दोनों बात कर रहे थे। तभी जो है नताशा एंटर होती थी, नताशा जैसे ही एंटर करती दोनों चुप हो जाते हैं। तो नताशा जाती है और रूही की तरफ़ देख के बोलती कि तो मिस रूही अभी चले क्या हम? तो बोलती कि हाँ वैसे क्या मेरे दोस्त जा सकती है मेरे साथ? तो नताशा थोड़ी देर चुप हो जाती है, तो बोलती कि हाँ ज़रूर
क्यों नहीं, हाँ चलिए। तो दोनों उठते हुए एकदम से जाने लगती है। जाते जाते जैसे केबिन से निकलती तो नताशा को पता नहीं वो पूजा से क्या चाहती, वो एकदम से जाती है पूजा के पास उस साइड पे। तो पूजा कुछ काम कर रही थी, इधर रूही को थोड़ी अजीब लगती है। वो मन में मन सोचती कि ये पूजा की कितनी क्या क्या चलती रहती है। तभी मिश्का उसके शोल्डर पे एकदम से टैप करती है और बोलती है, ज़्यादा जलने की बात नहीं है, वैसे क्या है ना, वो इतनी क्यूट और इतनी स्वीट है ना, कि इतनी प्यारी भी है यार, लोग तो अट्रैक्ट होगी ना। तो रूही घूर के देखते, बोलती है बस करेगी तू? हाँ। तो मिश्का एकदम से चुप हो जाती है, वो हंसने लगती है। इधर नताशा वो पूजा के पास जाती है और उसकी तरफ देखती है। पूजा अपने काम कर रही थी, वो काम करते करते ना उसकी जो हल्के हल्के कुछ बाल जो है उसकी जुल्फों में, जुल्फे जो है एकदम से आ जाती है। तो वो आहिस्ता से एक हाथ में पेन पकड़ती हुई वो जुल्फों को आहिस्ता से कान में गूंजती है, जैसे जिसे देख के नताशा बस एक टक उसे घूर के देखने लगती। ये चीज़ रूही देखती है, उसे बहुत अजीब लगती है। वो बोलती है यार ये क्या करने की कोशिश कर रही है। तो मिश्का बोलती है शांत हो जा पहले और रिलैक्स रख, हम यहीं पे हैं, देख क्या करती है। तभी वो नताशा जो है वो पूजा की तरफ देखते बोलते कि सो ब्यूटीफुल यार। जैसे ये पूजा सुनती है, पूजा तुरंत उसकी तरफ देखती है और बोलती है कि जी मुझे बोल रही हो क्या? तभी नताशा बोलती है कि यार तुम ना इतनी खूबसूरत हो कि क्या बोले। तो पूजा घूर के देखते बोलती है कि क्या है आप? तो नताशा हंसती है और बोलती है कि किसी दिन मिले? तो बोलती कि कहाँ? तो बोलती कि अरे कहीं पे भी, थोड़ी मस्ती मजाक कर लेंगे, कहीं घूमने चले तुम्हारे दोस्त सब मिल के। तो पूजा बोलती कि एक्चुअली मेरे घर पे बहुत सारा काम है, मैं बाहर घूमने नहीं जाती। ये बोल के वो अपनी काम करने लगती है। तो नताशा एक स्माइल पास कर देती है और वो पीछे की तरफ देखती है। तो रूही की तरफ देख के बोलती कि चले। तो ये तीनों मिलके जो है ऑफिस से निकल जाते हैं। यही थी आज की सीन। अब जानेंगे अगले एपिसोड में क्या होता है। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए और मुझे अपनी दुआओं में कभी कभार याद कर लेना। तो सी यू सून गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर, खुदा हाफिज़, टाटा, बाय बाय।